प्रेरितों के कामों का वर्णन 15वां अध्याय। फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा के रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बर्नबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बर्नबास और हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में यरूशलेम को प्रेरितों और प्राचीनों के पास जाएं। सो मंडली ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फीनिके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फेरने का समाचार सुनाते गए और सब भाइयों को बहुत आनंदित किया। जब यरूशलेम में पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देना चाहिए। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें, और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादे उठा सके थे और न हम उठा सकते। हाँ, हमारा यह तो निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। तब सारी सभा चुपचाप होकर बर्नबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे कैसे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा कि हे भाइयों, मेरी सुनो, शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना लें। और इससे भविष्यवक्ताओं की बातें मिलती हैं, जैसा लिखा है कि इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढें। यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं हम उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लोहू से परे रहें, क्योंकि पुराने समय से नगर नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वह हर सप्त के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती है। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कई मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सिलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बर्नबास के साथ अंताकिया को भेजें, और उनके हाथ यह लिख भेजा कि अंताकिया और सूर्या और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से हैं प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। हमने सुना है कि हम में से कितनों ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी, इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्यारे बर्नबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं, और हमने यहूदा और सिलास को भेजा है जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें कि तुम मूर्तों के बलि किए हुओं से और लोहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से परे रहो। इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। फिर वे विदा होकर अंताकिया में पहुंचे और सभा को इकट्ठी करके
वह उन्हें पत्री दे दी और वे पढ़कर उस उपदेश की बात से अति आनंदित हुए और यहूदा और सिलास ने जो आप भी भविष्यवक्ता थे बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। वे कुछ दिन रहकर भाइयों से शांति के साथ विदा हुए कि अपने भेजने वालों के पास जाएं, परंतु सिलास को वहां रहना अच्छा लगा और पौलुस और बर्नबास अंताकिया में रह गए और बहुत और लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। कुछ दिन बाद पौलुस ने बर्नबास से कहा कि जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि कैसे हैं। तब बर्नबास ने यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे जो पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया साथ ले जाना अच्छा न समझा, सो ऐसा टंटा हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बर्नबास मरकुस को लेकर जहाज पर कुप्रुस को चला गया, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपा जाकर वहां से चला गया और कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सूर्या और किलकिया से होते हुए निकला।